नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, पश्चिम बर्धमान जिले माननीय मुख्यमंत्री अनुप्रेरणा विभिन्न जरा डाक्तर बाबू आछेन, जरा नार्स दीदीरा आछेन, जरा अन्यान्य टेक्निकल स्टाफ आछेन, ये मेडिकल जे सर्विलेंस चलछे तार संगे जरा जुक्त आछेन, विभिन्न हॉस्पिटल जरा एगिए एसेछेन ये करोना भाइरस बिरुद्धे लड़ाई करार जन्य, विभिन्न एम्बुलेंस ड्राइवर आछेन, सफाई कर्मी आछेन, তাদেরকে আমরা কুর্নিশ জানাই, তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই যে এই বিপদের সময় তারা আমাদের পাশে আছে, এবং জনগণকে নিবেদন করি যে প্লিজ আমরা সবাই মিলে তাদের পাশে থাকি, কোনো কারণে তাদের নিয়ে কেন কোনো গুজব যেন না ছড়াই, তাদেরকে যেন আইসোলেট করার চেষ্টা না করি, এমন কোনো কাজ আমরা করব না যেটাতে তাদেরকে ডিসকারেজ করা যাবে বা যেটাতে তাদের কাজে আমরা বাধা দিয়ে দিলাম, এরকম কোনো কাজ যেন আমরা না করি। এটা যদি আমরা করি তাহলে এই বিপদ আপনারও হতে পারে, আমারও হতে পারে, যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখার আর কেউ থাকবে না। তাই প্লিজ সবাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ মেনে চলুন, এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যে প্রোটোকল তৈরি করে দিয়েছে সেই প্রোটোকল মেনে প্রক্রিয়া চলছে, ডেড সিওর থাকুন যে সমস্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রোটোকল মেনে যে প্রক্রিয়া চলছে সেটাতে আমাদের আর ইন্টারফেয়ার করার দরকার নেই। স্বাস্থ্য বিভাগ যারা দেখছেন, যারা এটার এক্সপার্ট, তারা এটার উপর নজর রেখেছেন, আসুন সবাই মিলে তাদেরকে সহযোগিতা করি। ধন্যবাদ। मुझे खुशी हो रही है बताने के लिए, बता रहे हम जो सेकंड ट्रैक्टर अभी डिलीवर कर रहे हैं आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ये जो ट्रैक्टर अटैचमेंट बनाया गया है इसके साथ, वो पर्टिकुलरली कोविड को फाइट करने के लिए बनाया गया है। इसमें कोविड को फाइट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम कोई भी कोविड पेशेंट है, हमें पता नहीं है, वो मार्केट जाता है, वो स्नीज करता है, खांसता है, तो उसका जो वायरस होता है उसके मुंह से निकल के ड्रॉपलेट साइज में हवा में रहता है 3 घंटे तक करीब, तो उसको कैसे किल किया जाए इसके लिए ये टेक्नोलॉजी बनाया गया कि क्या हम रोड्स को सैनिटाइज कर सकते हैं और स्ट्रीट को सैनिटाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक पहले यूनिट बनाया गया, फिर सोचा गया कि क्या किस पे माउंट करें। मोस्टली हमें बताया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास सबसे ज़्यादा होता है ट्रैक्टर और टैंकर्स अवेलेबल होते हैं, तो क्या हम ये ट्रैक्टर माउंटेड ऐसा यूनिट बनाएं तो ज़्यादा चलेगा। इसके लिए ही हम लोगों ने रिसर्च किया और 24-25 मार्च के बाद ही शुरू किया और सक्सेसफुली हमने लॉन्च कर पाए था शॉर्ट टाइम में। पहला ट्रैक्टर हम डिलीवर कर चुके हैं, आज सेकंड डिलीवरी है, और इस माध्यम से ये भी दिखाना चाहते हैं रियली में ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। एक ट्रैक्टर में अगर पानी भरा जाए 2000 लीटर या 3000 लीटर है तो 50 to 100 किलोमीटर कवर कर सकता है। 50 किलोमीटर तब जब आप सब जगह पानी बिछाते जा रहे हैं और उसके सारे नोजल तैयार हैं। इसमें टोटल 16 नोजल हैं, 12 नोजल फिक्स हैं एक जगह टैंकर पर लगे हुए हैं, बाकी जो 4 नोजल हैं वो फ्लेक्सिबल पाइप के साथ लगे हैं। फ्लेक्सिबल पाइप जो लगाया है इसलिए लगाया है ताकि आप अंदर वाली एरियाज़ को भी कवर कर सकें, इंटीरियर एरियाज़ को भी कवर कर सकें। इसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, 80 रुपये में अटैचमेंट बन जाता है, किसी भी ट्रैक्टर माउंटेड जिसमें टैंकर है उसके साथ लग सकता है। आज उत्थान समिति पूरे पश्चिम बर्धमान में दिन रात एक करके जरूरतमंदों के बीच पहुंच रहे हैं, ठीक उसी तरह से आज जेके नगर के प्रांगण में पहुंचकर जेके नगर के सैकड़ों लोगों को मदद करने का कार्य किया है और जेके नगर के आसपास के लोगों को भी मदद किया, जैसे कि 18 नंबर बाद धौड़ा ऐसे आसपास के जगह में जाकर के भुइया समाज उत्थान समिति ने जरूरतमंदों को मदद किया है। किंतु हमें देखा जा रहा है कि एक तरह के लोग इससे काफी निराश है, भुइया समाज की कार्य से काफी निराश है, क्योंकि जोर धौड़ा के निवासी हमारे विजय भुइया के घर आकर के 3 दिन पहले हम लोग कुछ वहां पर जरूरतमंदों के बीच आकर के राशन सामग्री उपलब्ध कराए थे, तो उनके घर में जाकर के धमकाने का कार्य कर रहा है और कह रहा है कि इस तरह से अगर आप लोग उनसे सारा सुविधा आप लोग को दे रहा, वो लोग जो खाने का सामग्री दे रहा, वो लोग कितना दिन आपको चलाएगा, फिर हमारे पास सूद के लिए आना पड़ेगा। मैंने अर्थात वो लोग मजबूर कर रहा है, ऐसे मजबूर के
परिस्थिति खोजते हैं सुदखोर लोग, ताकि लोग मजबूर होकर के अपने घर के गहना जेवर अन्य सामग्री को उनके पास बंधक रख करके और कठिनाई से उनके मुताबिक सूद इंटरेस्ट में पैसा लेकर के उनके मुताबिक चुका है। तो वैसे हम सुदखोर व्यवसायियों से हम निवेदन करते हैं भुइया समाज की ओर से कि आज पूरे देश पूरे दुनिया एक मौत जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है, एक जिंदगी की संघर्ष की लड़ाई चल रहा है। इस संघर्ष में विभिन्न सोसाइटी विशिष्ट समाज सेविक और सरकार चाहता है कि प्रत्येक लोगों को सुविधा प्रदान किया जाए, ठीक उसी तरह से भुइया समाज भी चाह रहा है कि प्रत्येक लोगों को जरूरतमंदों को मदद किया जाए। तो हम वैसे असामाजिक तत्व गतिविधि रखने वाले से हम निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यवसाय के राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखे, व्यवसाय के नजरिया से ना देखे, अभी मानवता के नजर से देख करके एक दूसरे का सहयोग करे, यही भुइया समाज उत्थान समिति की तरफ से वैसे लोगों को निवेदन है। धन्यवाद। সাবান তো জল দিয়ে ধুইতে হয়, এটা জল দিয়ে ধুইতে হবে না, হাতে এরকম ঝাড়বে আর ঘষে নেবে। আপনি জানেন আসলে আপনি এখানে জানেন এসছিলাম আমাদের বড়াইল বুনিয়াদপুর বড়াইলের যে আশ্রম আছে সেখানে, দুদিন আগে একটা খবর দেখতে পাই ফেসবুকে যে এখানে যতগুলো বাচ্চা আছে তারা ঠিকমতো খেতে পারছে না। আর সেটা শুনে বিশেষ করে আমার মিসেস সুদেশনা সাহা সে এই অবস্থার জন্য একটু ভেবে সে নিজে থেকে এদের জন্য কিছু করতে চায়। তো সেই মোতাবেক আমরা এখানে আশ্রমে মহারাজের সাথে কথা বলি, কথা বলে এখানে কিছু আমরা চাল ডাল আলু কিছু ওষুধপত্র হ্যান্ড স্যানিটাইজার এগুলো আপাতত দিয়ে যাচ্ছি, এরপরেও যদি কখনো এই পরিস্থিতির মধ্যে এদের অবস্থা খারাপের দিকে যায় সেক্ষেত্রে আমরা আবার বারবার হেল্প করব। আর সবাইকে বলবো, সমাজে আমরা অনেকজনই আছি, তো এক্ষেত্রে আমাদের এই আশ্রমের পরিস্থিতি খুব একটা ভালোও না, অন্য সময় ভালো থাকে না, আর এরকম কোভিড-19 যে সিচুয়েশান চলছে আমাদের গোটা ওয়ার্ল্ডে সেখানে আরও এদের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। তো সমাজে যারা আরও মানুষ আছে তাদেরকেও বলবো এদের মানে কিছু কিছু করে সবাই জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, এটুকুই মানে সবার কাছে বক্তব্য আমার বলার।